यूट्यूबर अल्विश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ने अल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ जोनल कार्यालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही अल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। पीपल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी गौरव गुप्ता की शिकायत पर अल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में पिछले साल 2 नवंबर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में 4 सपेरों समेत 5 लोगों को संस्था की मदद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अल्विश और उसके 2 और साथियों को भी नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि सभी लोग जमानत पर बाहर हैं। मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। अब ईडी इस मामले में बड़े कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सांपों का जहर NCR के नामचीन होटलों, क्लबों, रिजॉर्ट और फार्म हाउस में होने वाले रेव पार्टियों में उपलब्ध कराया जाता था। अब ईडी के अधिकारी इन्हें चिन्हित कर संचालकों को तलब करके पूछताछ करेंगे। ईडी को अल्विश के पास कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला होने की भी जानकारी मिली है। इसके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान नथी किए गए हैं। चार्जशीट में नोएडा पुलिस की ओर से बताया गया कि अल्विश का जहरीले खेल में जेल भेजे गए सपेरों से संपर्क था। अल्विश के खिलाफ लगी NDPC की धाराओं का आधार भी पुलिस ने इसमें बताया है। अल्विश और उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि नोएडा पुलिस द्वारा चार्जशीट में की गई है। इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। बीते साल पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी ने अल्विश यादव और उसके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया था। संस्था के सदस्य ने एक स्टिंग किया था। इसमें कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml सांपों का जहर 5 सपेरों के पास मिला। फिलहाल जल्द ही इस मामले में जुड़े आरोपियों से ईडी पूछताछ कर सकती है।